निशांत, हम एक क्रिकेटर के साथ में एक गेमर को भी साथ में लेके चल रहे हैं इस इंटरव्यू में। हाँ। तो जैसे क्रिकेट की बात होती है तो क्रिकेट में हम हमारे पास कोच होते हैं, हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड होता है, तो हम वहां पे सीख सकते हैं, हमें कोई गाइड करने वाला होता है। बट अगर ये सेम बात गेमिंग के ऊपर लेके आए तो क्या गेमिंग के लिए भी कुछ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या फिर आपको कोई सिखाने वाले, आपके कोई आइडल या फिर कोई मॉडरेटर है जो आपको गाइडेंस देते हैं? एक ही रीजन है कि इंडियन ई-स्पोर्ट्स बाकी कंट्रीज के ई-स्पोर्ट्स से पीछे है, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक पेरेंट गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बीसीसीआई है, राइट, जो क्रिकेट का पेरेंटल बॉडी है हमारे इंडिया में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, जो हर एक चीज देखती है, सारे प्लेयर्स का डेवलपमेंट से लेके सैलरीज से लेके फिटनेस से लेके इंजुरीज, हर एक चीज वो लोग मॉनिटर करते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में है एक, और फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ एक और एक्सो में, टेक्नो एक्सो बैंगलोर, तो उनके ऑर्ग में मैं हूँ, वो मेरा ख्याल रखेंगे। एक बहुत बड़ी ऑर्ग है SA12 करके, तो उनके जो ऑर्ग है वो उनका बहुत ख्याल रखेंगे। फिर एक ऑर्ग है ओरैंगोटैन करके, तो उनके ख्याल रखेंगे लोग। फिर एक ऑर्ग है गॉडलाइक करके, उनका ख्याल रखेंगे उनके लोग। बट जो बाकी के लोग है, जो पूल हो गया, जो बंदे कोई ऑर्ग नहीं है, समझ रहे हो, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। उनको खुद के मेहनत से आना, उनको खुद के मेहनत से आना पड़ेगा, उन्हें खुद स्ट्रगल करके अपनी टीम ढूंढ के फिर एक ऑर्गेनाइजेशन उन्हें साइन करेगी। तो एक अलग जर्नी होता है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल बॉडी नहीं है, यहाँ पे सिलेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे रिक्रूटर्स या स्काउट्स भी नहीं है। सो जो आपको देखता है, अगर आप हिट हुए तो आपको कोई साइन कर लेगा, बट अगर आप सेकेंड हिट भी हुए तो शायद आपको कोई ना करे। तो ये ऐसी सीन होती है। एंड रही बात पर्सनल प्लेयर्स जो ऑर्ग्स में ऑलरेडी है, जैसे मैं एक्सो में साइंड हूँ या कोई SA12 में साइंड है, उनकी देखभाल बहुत अच्छी सी होती है। हमारे शेफ्स मिलते हैं हमें, जिम ट्रेनर्स मिलते हैं, कोचेस मिलते हैं, एनालिस्ट मिलते हैं, एडिटर्स मिलते हैं, गाइडेंस के लिए मेंटर्स रहते हैं हमारे पास। सो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा माहौल होता है। प्लस यू गेट एक्सपोजर टू थिंग्स दैट यू डिड नॉट नो, यू गेट एक्सपोजर टू इक्विपमेंट्स, जैसे कैमराज हो गया, हेडफोन्स, पेरिफेरल, चेयर्स, ये सब कुछ का एक्सेस मिलता है हमें। तो यस, हमारी देखभाल बहुत अच्छी होती है इन ऑर्ग्स के द्वारा। मेरा अगला सवाल आपसे कि एक बार आप किसी प्लेटफॉर्म पे आए, आप हिट हुए, आपको फेम मिला, उस फेम की कंटिन्यूटी बनाए रखना, उसको डाइजेस्ट करना कितना चैलेंजिंग होता है किसी भी स्पोर्ट्समैन या फिर एथलीट के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, व्हाई सोशल मीडिया प्रेजेंस इज सो मच मोर डिफरेंट देन रियल लाइफ प्रेजेंस। एंड काफी लोगों को मैंने देखा है इसमें डूबते हुए भी। एक क्रिकेटर, ठीक है, या एक फुटबॉलर, वो अपने देश के लिए खेलता है, वो खून बहाता है, वो पसीना बहाता है, वो इतने साल, वो 10 साल मेहनत करता है, 15 साल मेहनत करता है, तब जाके वो अपने देश का नाम रोशन करता है। देश कौन? हमारा भारत, इंडिया। वो इंडिया के लिए खेलता है और इंडिया का नाम रोशन करता है, और भले ही वो वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, कभी ना कभी इंडिया के लिए खेलना ही एक अलग ही बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है। एंड बहुत मेहनत लगता है यार, अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ 15 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है। क्रिकेट इज द मोस्ट डिमांडिंग स्पोर्ट, क्रिकेट इज द मोस्ट चैलेंजिंग स्पोर्ट, सबसे ज्यादा लोग खेलते हैं। तो वो फेम जो होता है ना, वो आप कहीं भी चले जाओ, जो बंदे के पास इंस्टाग्राम या ट्विटर या यूट्यूब ना हो, उसको भी पता होगा कि भाई एक विराट कोहली कौन है, उसे पता है, क्योंकि वो रेडियो में सुनते हैं, वो टीवी में देखते हैं, वो केबल में देखते हैं, वो अखबार में पढ़ते हैं, क्योंकि वो देश के लिए खेल रहे हैं। बट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर, दैट इज सोशल मीडिया प्रेजेंस, राइट? वो सोशल मीडिया में आने के बाद हिट हुए हैं बिकॉज ऑफ जनता, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वाली बैठी ऑडियंस। तो बहुत बार ऐसा होगा कि कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर होगा, बट अगर वो बाहर जाए कोई लोकल दुकान में या चाय के टपरी पे, उन्हें कोई ना पहचाने, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उन्हें के पास यूट्यूब है ही नहीं, और ये बंदा अखबार में आया ही नहीं है, इसने हमारे देश के लिए कुछ किया ही नहीं, तो क्या? अब भले ही वो बहुत अपने फील्ड में वो बेस्ट होगा, उनने बहुत मेहनत करके अपने फील्ड में बहुत नाम कमाया है अलग दिग्गज पे, बट क्या उन्हें देश का नाम रोशन किया है जैसे एक विराट कोहली ने किया या एक हार्दिक पांड्या ने किया? नहीं। तो फेम
बहुत अलग हो गई है, सोशल मीडिया प्रेजेंस और रियल वर्ल्ड प्रेजेंस बहुत अलग होता है। एंड रही बात कंट्रोल करने की, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे होता है। आप एक रात में हिट बन गए ना तो अगली रात जीरो भी बन सकते हो। सिर्फ एक गलत कदम उठाना होता है या सिर्फ ग्रांटेड या एटीट्यूड एरोगेंस ये सब आ गया, हिट से आप जीरो हो जाओगे। और अगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स और एक्टर्स भी हिट से नीचे आ सकते हैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड गेमर्स तो कुछ भी नहीं है यार उनके कंपैरिजन में।